देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर से न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, युवा जोश और नई सोच के साथ खबर से न्यूज चैनल में जुगल किशोर के साथ आपका स्वागत है। लखीमपुर खीरी थाना फुलबुहेड़ के ग्रामवासियों ने आज 29 अप्रैल को होने वाले मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामवासियों का कहना है कि हम 75 वर्षों से वोटिंग करते आए हैं, लेकिन हमें कोई भी सरकारी सुविधाएं नहीं मिली है। नेता लोग केवल वोट के समय आते हैं और इसके बाद दिखाई भी नहीं देते। आइए जानते हैं पूरा मामला लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता डॉक्टर जर्रार खान की इस रिपोर्ट में। लखीमपुर खीरी थाना फुलबुहेड़ क्षेत्र के ग्राम में आज 29 अप्रैल को होने वाले मतदान का ग्रामवासियों ने बहिष्कार कर दिया। ग्रामवासियों का कहना है कि 75 वर्षों से वो वोटिंग करते आए, किंतु अभी तक गांव जाने का कोई रास्ता नहीं है। वह नाव के द्वारा निकलते हैं, नाव पलटने से कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। नेता लोग सिर्फ वोट के समय गाँव आते हैं, उसके बाद दिखाई भी नहीं देते। भैया आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं? भाई हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में 75 वर्षों से हम लोग लगातार नियमित रूप से वोटिंग करते आए जी, हमारे क्षेत्र की अभी तक कोई भी सुनवाई, कोई पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई नहीं। वैसे आप लोग क्या चाहते थे? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो 1998 में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि प्रत्येक गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना था, अभी तक हमारे गाँव को वो भी कार्य नहीं हो पाया। कोई रास्ता नहीं। 3 महीने के लिए बाढ़ में पूर्ण रूप से मतलब स्थायी रूप से रास्ते का मतलब रास्ता कट जाता है 3 महीने के लिए जी। और नाव के द्वारा संचालन होता है रास्ते का। अच्छा, 3 महीने बाढ़ आती है तब कैसे आप लोग जाते हैं? 3 महीने बाढ़ में हम लोग नाव के द्वारा रास्ता संचालन करते हैं रास्ते का, और नाव वो भी दिन में चलता, मतलब रात में कोई सुविधा नहीं। रात में कोई सुविधा नहीं, चाहे मरे कोई, चाहे जिए, चाहे भूखे मरे, चाहे बीमारी से मरे, चाहे कुछ हो, मतलब इस तरीके से क्या कोई मृत्यु भी हो चुकी है क्या? कम से कम 20-30 लोग 2-3 वर्षों में ही नाव पलटने से, डूब के मरने से हो चुकी है। आज कई लोग मतलब अपने भाई लड़के या भतीजे या बेटी किसी का दवाई लेने गए तो नाव मान लो पलट गई, तो उसमें 10-10 लोग कई बार मर चुके हैं। अच्छा बाबा जी, ये बताएं क्या कोई एक्सपायर हो चुका है यहाँ पे? अरे भैया कई लोग हो चुके हैं। जो क्या कोई आपसे परिवार से रिलेटिव था? अरे हमारे परिवार खत्म हो गया। क्या नाम था? हरिचरण। पिताजी का क्या नाम था? राम विलास। अच्छा, ये कब खत्म हुए थे? इसी साल? हाँ। अच्छा, जब बाढ़ आई है। अच्छा भैया, आप भी वोट डालना नहीं चाहते? हम लोग भी नहीं वोट डालना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी समस्याएं हैं, एक नहीं समस्या, 50 समस्याएं हैं। सरकार तो इस पे ध्यान भी नहीं दे रही है। अच्छा, मतलब कोई नेता आता है या नहीं? कोई देखने तक नहीं आया। अभी तक इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कोई ये पूछने तक नहीं आया कौन मरा है यहाँ, कौन जिया है। सिर्फ वोट के लिए आते हैं, वोट कब पड़नी है, किसको देनी है। और जो जब हमारे यहाँ ये सहायक बांध बना था तो इसको सहायक बांध कहा गया था, और कहा गया था कि नदी के किनारे मुख्य मार्ग का निर्माण होगा, जो पक्का बांध बनेगा, जो पक्का होगा। और अब क्या किया गया है कि वो सरकार अपना बजट कम करने के लिए वो नेता लोग चाहे कि वो बांध जो सहायक बांध बना था उसी को पक्का कर दे रहे हैं। मतलब सहायक क्या मतलब? मुख्य मार्ग है, मुख्य बांध है ही नहीं। बांध नदी के किनारे बनना था, जो कि अभी तक बना ही नहीं, वो सिर्फ कागज पे चलता। अच्छा, मुख्य जब बना नहीं तो मुख्य यही माना जाता होगा? यही मुख्य माना क्या जाता है उसको, कहते सहायक बांध है लिखा पढ़ी में। और जब उसको कहा गया था कि ये मुख्य मार्ग बांध वहाँ बनेगा, तो लोगों ने कहा कि मुख्य बांध वहाँ बनेगा तो हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या नहीं होगी, इसलिए उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया था। अच्छा, वो पक्का किया जा रहा है? अब ये सहायक बांध को पक्का किया जा रहा है, इससे हम लोगों को आपत्ति है। और अब तो ये भी हो जाएगा कि हम लोग यहाँ से नाव भी नहीं लगा पाएंगे उस पर। जब बांध पक्का होगा, नाव लगाएंगे, नाव फट जाएगी। अच्छा, यहाँ कोई विधायक या सांसद कोई आता है? कभी नहीं। वोट लेने 5 वर्ष बाद जब विधायकी का होगा तब आएंगे, जब सांसदी का होगा तब आएंगे। इस बार क्या वोट मांगने वो लोग आए हैं? इस बार चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे, इसलिए कोई हमारे यहाँ वोट मांगने नहीं आया। कोई आया ही नहीं? कोई प्रत्याशी नहीं। अच्छा, क्या आप लोगों ने कोई एजेंट बनाए अपने? नहीं, कोई नहीं। तो आप लोग वोट डालेंगे? नहीं डालेंगे। भारत माता की। क्या मामला हुआ?
जो कहने कहीं पर ढिलैया है तो के जूहे तो उन पर ढील देबा भाई फूले पर दाबी दिने पने या आपने कहा जो मेरा मन होगा हम उस पर डालेंगे हम कह जूहे तो पर डाल देबा हम पर डर नहीं है तो डरीबा जूहे तो पर डरीबा अब भाई अपने आप छापी दिन ऊपर फूल पर कितने डाल दिया अच्छा जो वहां अंदर बैठे थे कर्मचारी हैं हां बहन दबी कर।